नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक की रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेन्स बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपरबग के बारे में है। सुपरबग होता क्या है ये देखो, एक प्रकार से बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि बॉडी पर अटैक करता है और इन्फेक्शन को कैरी आउट करता है। लेकिन मार्केट में जो एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं उनका या तो असर होता नहीं है इस बैक्टीरियल स्ट्रेन पे, अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है। सोच के देखिए, अगर कोई बेकार बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक करता है और इन्फेक्शन को कैरी आउट करता है, लेकिन कोई भी दवाई असर करना बंद कर देती है उस बैक्टीरिया पर, खराब बैक्टीरिया पर, तो उस खराब बैक्टीरिया का खात्मा होगा ही नहीं, तो इन्फेक्शन ख़त्म कैसे होगा हमारे शरीर से। ऐसी सिचुएशन में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो एक लाइन में समराइज करूँ, सुपरबग्स वो बैक्टीरियल स्ट्रेन हैं जिन पर मार्केट में उपलब्ध एंटीबायोटिक्स का असर होता ही नहीं। एंटीबायोटिक्स का मतलब है ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिन्हें यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। ये पिक्चर देखिए, आपको आसानी से सुपरबग के बारे में समझ में आ जाएगा। पिक्चर में जो आपको पर्सन दिख रहा है, इस पर्सन को एक सुपरबग ने इन्फेक्ट किया है। उस सुपरबग का नाम है MRSA। यहाँ पर देखो, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया लेकिन इन्फेक्शन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, और इस पर्सन को जो इन्फेक्शन हुआ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अंत में मौत भी हो सकती है इस इन्फेक्शन की वजह से पर्सन की। हम बात करें MRSA के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेडली सुपरबग है। इसको देखो, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1961 में इंग्लैंड में। पूरा नाम है MRSA का, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, ये पूरा नाम है इस सुपरबग का। साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का स्टेफिलोकोकस ओरियस। ये बैक्टीरिया स्टेफ इन्फेक्शंस कैरी आउट करता है किसी पर्सन में, लेकिन एंटीबायोटिक्स का असर या तो नहीं होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है अगर स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो। तो ये तो हमने बेसिक्स डिस्कस किए, अभी क्या कंटेक्स्ट है। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने देखो वार्निंग दी है, 10 देशों से इकट्ठे किए हुए नमूनों के आधार पर एक नया सुपरबग जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज, ये नाम है सुपरबग का। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने कहा कि ये सुपरबग दुनिया भर के हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में बिना डिटेक्ट हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और जिस पर्सन को ये सुपरबग इन्फेक्ट करता है उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। वैसे देखो, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो सुपरबग है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज, ये जो ऑलरेडी नॉन सुपरबग है MRSA, इसी से संबंधित है। नेचुरली ये ह्यूमन स्किन पे मिलता है और मोस्ट कॉमन ये इन्फेक्ट करता है एल्डर पर्सन्स को, या फिर उन पेशेंट्स को जिनमें कोई चीज़ आर्टिफिशियल रूप से इम्प्लांट की गई है। खतरा ज़्यादा उन लोगों को है जो ऑलरेडी बीमार हैं। ये सुपरबग क्या करता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडीज, ये अपने DNA में चेंज लाता है और एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इस वजह से एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाता है। वैसे देखो, एक जनरल क्वेश्चन इमर्ज होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोकने का इलाज क्या है। देखो, प्रिवेंशन काफ़ी अच्छा है अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ना लिए जाएं, लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स का कोर्स लिया जाए तो उसे कंप्लीट किया जाए तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को होने से रोका जा सकता है। देखो, बहुत साल पहले जब एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ था, यानी ये जो डिस्कवरी थी बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी मानव सभ्यता में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की सहायता से
जो इन्फेक्शंस होते थे उनको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। लेकिन एंटीबायोटिक्स अगर काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा, थोड़ा सा भी फीवर होगा, वो इन्फेक्शन बंद होगा नहीं, इन्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। रिसेंट स्टडीज इस ओर इशारा करती हैं कि साइंटिस्ट काम कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाए ताकि उन बैक्टीरिया को रोका जा सके जिन्होंने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है। नैनो पार्टिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट एक्टिवेटेड होंगे और ह्यूमन बींग्स के बाल से ऑलमोस्ट 20,000 छोटे होंगे, इस प्रकार के क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जर्म्स का खात्मा हो सके। यहाँ पर देखो दो तीन एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। स्टेफिलोकोकस के बारे में तो हमने डिस्कस किया, ई कोली एक और फेमस सुपरबग है, सेल्मोनिला ये भी एक फेमस सुपरबग है। इन जैसे सुपरबग्स को ख़त्म करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, क्वांटम डॉट्स बनाए जाएंगे और वो क्वांटम डॉट्स जिनका साइज जो होगा वो बाल से ऑलमोस्ट 20,000 छोटा होगा। इस प्रकार के क्वांटम डॉट्स सुपरबग्स को 90% इफेक्टिवली ख़त्म कर पाएंगे। तो पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल होप प्रोब के बारे में है। ये देखो यूएई का अपकमिंग मार्स मिशन है, इसे सेंड किया जाएगा यूएई के द्वारा 2020 में। 2021 में यूएई का ये मार्स एक्सप्लोरिंग मिशन होप प्रोब पहुंचेगा मार्स के ऑर्बिट में। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ देखो मार्स के चारों ओर चक्कर काटेगा, मार्स पे लैंड नहीं करेगा। चक्कर काट के जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा होप प्रोब के द्वारा वो किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, होप प्रोब जो है वो कौन से देश का मिशन है? यूएई का मिशन है। आप एक बार नज़र डाल लीजिए मार्स पे और कौन कौन से देशों ने मिशन सेंड किए हैं। फोनिक्स नासा का है, लैंडर है, लैंडर का मतलब होता है मिशन जब मार्स पे लैंड करता है, ऑर्बिटर का मतलब सिर्फ मार्स के चारों ओर चक्कर काटता है। और देखो जब स्पेसक्राफ्ट ना सिर्फ प्लैनेटरी बॉडी पर लैंड करता है बल्कि लैंड करने के बाद 6 पहियों की या 4 पहियों की गाड़ी निकलती है और घूमती है उस प्लैनेटरी बॉडी पे रिसर्च करने के लिए, तो उसे कहा जाता है रोवर। डॉन जो है वो भी नासा का है, लिस्ट है आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा। क्यूरोसिटी भी नासा का है। यहाँ पर ये हमारा है मार्स ऑर्बिटर मिशन, 2013 में हमने इसे सेंड किया था। ये सिर्फ ऑर्बिटर था, लैंडर और रोवर नहीं थे। मावन जो है वो भी नासा का है और इनसाइट भी नासा का है। ये फ्यूचर मिशंस हैं जो कि विभिन्न देशों के द्वारा भेजे जा रहे हैं मार्स के ऊपर। सबसे पहले देखो यूएई का जो अभी हमने डिस्कस किया होप मार्स मिशन, एक्जो मार्स, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भेजा जा रहा है। चाइना का भी है जिसे भेजा जाएगा 2020 में। एक बार जरूर नज़र डाल लीजिएगा। यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा लेती है, जैसे मावन दे दिया, यहाँ पर साइड में लिखा होगा ये इसरो का मिशन है या फिर नासा का मिशन है और इसे भेजा जा रहा है जुपिटर पर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग ज़्यादा आता है फॉरेन मिशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मोस्टर गैलेक्सी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। कहाँ पे है ये ऑब्जर्वेटरी? अटाकामा डेजर्ट में है, चिली में। यहाँ पर एस्ट्रोनोमर्स के द्वारा मोस्टर गैलेक्सी की बहुत ही साफ पिक्चर ली गई है। मोस्टर गैलेक्सी जिसका नाम ये है कॉस्मोस AZ TEC 1, ये अर्थ से 12.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये मोस्टर गैलेक्सी जो है वो स्टार फॉर्म करती है 1,000 गुना ज़्यादा स्पीड से, जिस स्पीड से हमारी अर्थ की गैलेक्सी मिल्की वे स्टार प्रोड्यूस करती है। यानी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ये गैलेक्सी देखो स्टार को फॉर्म करती है अगर 1 की स्पीड से, तो मोस्टर गैलेक्सी जो है वो स्टार्स को फॉर्म करती है 1,000 की स्पीड से। क्लियर इमेज जो ली गई है एल्मा ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, इस इमेज से ये भी पता लगता है कि मोस्टर गैलेक्सी पे मोलिकुलर क्लाउड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं और इन्हीं की वजह से स्टार फॉर्मेशन होती है। और देखो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो मोलिकुलर क्लाउड्स हैं इन्हीं की वजह से हुज एलिप्टिकल गैलेक्सी की उत्पत्ति हुई है।
मतलब साफ है कि इस रिसर्च से एक बात का पता लग सकता है कि गैलेक्सीज की उत्पत्ति होती कैसे है, कैसे गैलेक्सीज बनती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मॉन्स्टर गैलेक्सी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल HY1C सैटेलाइट के बारे में है। ये देखो चाइना का एक मरीन सैटेलाइट है। कहाँ से लॉन्च किया गया था, कौन से रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था, ये सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जरूर याद रखिएगा चाइना का सैटेलाइट है, मरीन सैटेलाइट है, और ये सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का पार्ट है। HY1C से पहले चाइना के द्वारा 2002 में HY1A भी लॉन्च किया गया था और 2007 में चाइना के द्वारा HY1B भी लॉन्च किया गया था। इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाने का मकसद था मैरीटाइम वाटर के बारे में समझ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो इसी सीरीज़ में H1YC सैटेलाइट का भी यही काम होगा, ओशियन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा फिशरीज़ के क्षेत्र में, दूसरे जो एक्वाकल्चर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा इल नीनो फेनोमेनन का और ज़्यादा गहराई से पता लगाने के लिए, ग्लोबल कार्बन साइकिल में ओशंस का क्या रोल होता है इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा चाइना का ये HY1C मरीन सैटेलाइट। चलते हैं आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लैनेट की डेफिनेशन के बारे में है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU एक ऑथराइज्ड बॉडी है प्लैनेट की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। तो इस बॉडी के द्वारा 2006 में तीन क्राइटेरियाज बताए गए थे जिसके बेस पे कहा जा सकता है कि कोई सेलिस्टियल बॉडी यानी आकाशीय बॉडी प्लैनेट है या फिर नहीं है। तीन क्राइटेरियाज को पहले हम देख लेते हैं। वो सेलिस्टियल बॉडी किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में होनी चाहिए। जैसे देखो अर्थ, मार्स, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी सेलिस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाना है तो पहला क्रिटेरिया ये है किसी स्टार के चारों ओर चक्कर काटे वो सेलिस्टियल बॉडी एक डेफिनेट ऑर्बिट में। दूसरा क्रिटेरिया, उस सेलिस्टियल बॉडी के पास कम से कम इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए, इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ताकि वो स्फेरिकल शेप में आ जाए। अर्थ का शेप आपको पता है स्फेरिकल है। तीसरा क्रिटेरिया, अपने ऑर्बिट के आसपास का जो एरिया है वो साफ कर दिया गया हो उस सेलिस्टियल बॉडी के द्वारा। तो तीन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना जरूरी है तभी वो सेलिस्टियल बॉडी प्लैनेट कहलाएगी। देखो तीन क्राइटेरियाज में से लास्ट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं किया गया था प्लूटो के द्वारा। इस वजह से प्लूटो जो किसी समय में प्लैनेट कहलाया करता था लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये जो तीन क्राइटेरियाज रिलीज किए गए प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, क्योंकि तीसरे क्राइटेरिया को प्लैनेट बनने के लिए प्लूटो के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था। प्लूटो के ऑर्बिट के आसपास का जो एरिया है वो क्लियर नहीं है। प्लूटो सन के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर तो काटता है, मान लीजिए ये सन है और ये प्लूटो का ऑर्बिट है, लेकिन ऑर्बिट के आसपास काफ़ी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉइड्स हैं। इस वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, सेरेस, प्लूटो, एरिस, हुमे, मेकमेक। सेरेस को अगर आप छोड़ दो बाकी जो 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं उनको प्लूटोइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स की बात की। अभी कंटेक्स्ट देखो ये है, कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो तीन क्राइटेरिया बताए हैं जिनके बेस पे किसी सेलिस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहा जा सकता है, तीन क्राइटेरिया ठीक नहीं है। लास्ट का जो क्राइटेरिया है वो यूज नहीं किया जाता रिसर्चर्स के द्वारा, यानी ये एक सॉलिड क्राइटेरिया नहीं है ये कंक्लूजन निकालने के लिए कोई सेलिस्टियल बॉडी प्लैनेट है या फिर नहीं है। अगर आप तीसरे क्राइटेरिया को छोड़ दें तो प्लूटो फिर से प्लैनेट बन जाएगा, प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ तीसरे क्राइटेरिया को प्लूटो के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। तो साइंटिस्ट मांग कर रहे हैं कि प्लूटो को फिर से आप प्लैनेट की कैटेगरी में डालिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल डार्न मिशन के बारे में है। ये देखो नासा का मिशन है
इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था एस्ट्रॉयड वीस्टा और ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दी हुई है, जैसे 2011 से 2012 के बीच 14 मंथ्स के लिए डान ने ऑर्बिटिंग की एस्ट्रॉयड वीस्टा के चारों ओर, और उसके बाद सेरेस को भी स्टडी किया गया डोन मिशन के द्वारा। अभी कंटेस्ट ये है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया है स्पेसक्राफ्ट का, इस वजह से आगे काम नहीं कर पाएगा स्पेसक्राफ्ट और डान मिशन जो है नासा का वो ख़त्म हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉयड वीस्टा और ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के बारे में। देखो, सेरेस के बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ ही समय पहले, जब हम प्लूटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेरेस जो है वो अर्लीस्ट नोन और स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। IAU के द्वारा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और उनमें से एक है सेरेस, और ये अर्लीस्ट नोन ड्वार्फ प्लैनेट है और ड्वार्फ प्लैनेट्स में सबसे छोटा भी है। मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच एस्ट्रॉइड्स की जो एक बेल्ट है, उस बेल्ट में लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सेरेस। और सेरेस देखो एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है, एस्ट्रॉइड भी है, दोनों हैं। अगर UPSC पूछती है सेरेस क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट भी है, एस्ट्रॉइड भी है। और अब हम बात करें वीस्टा के बारे में। ये मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है, उस बेल्ट में सेकेंड मोस्ट मैसिव बॉडी है सेरेस के बाद, यानी सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है मार्स और जुपिटर के बीच वो सेरेस है, और उसके बाद नंबर आता है वीस्टा का। इस पिक्चर से साफ हो जाता है सेरेस का साइज बड़ा है, उसके बाद साइज है वीस्टा का। कल नए डिस्कवर किए गए एक्सोप्लैनेट के बारे में है। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या है? वो प्लैनेट जो सूर्य के अलावा किसी दूसरे स्टार के चारों ओर चक्कर काटते हैं एक निश्चित पाथ में, कहलाते हैं एक्सोप्लैनेट। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। बीच में सन है और सन का सबसे नज़दीकी स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखो, इस स्टार के चारों ओर अर्थ की तरह का कोई प्लैनेट अगर चक्कर काटता है तो वो कहलाएगा एक्सोप्लैनेट। उसी प्रकार से सन के नज़दीक एक स्टार है जिसका नाम है बर्नार्ड स्टार। इस स्टार के चारों ओर अर्थ की भांति का कोई प्लैनेट चक्कर काट रहा है तो वो कहलाएगा एक्सोप्लैनेट। हमने एक्सोप्लैनेट के बारे में जाना। कंटेस्ट अभी ये है, नासा की कैपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अर्थ से भी दोगुना साइज का एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है वोल्फ 503b। यहां पर देखो, यह नाम है उस एक्सोप्लैनेट का जिसको डिस्कवर किया गया है नासा की कैपलर टेलीस्कोप के द्वारा। यह जो एक्सोप्लैनेट है वो अर्थ से 145 लाइट ईयर्स दूर है, और जिस भी स्टार के चारों ओर चक्कर काटता है यह एक्सोप्लैनेट 6 दिन में एक पूरा चक्कर काट लेता है। वैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, वीर्गो कॉन्स्टेलेशन में है ये एक्सोप्लैनेट। वीर्गो का मतलब होता है कन्या और कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। इस एक्सोप्लैनेट को इन्वेस्टिगेट करके हमें ये पता लगेगा मिल्की वे गैलेक्सी में जो प्लैनेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है और कितने डाइवर्स तरह के प्लैनेट्स हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। आप एक बार मिल्की वे गैलेक्सी पर नज़र डालिए। जो सोलर सिस्टम है हमारा वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। यहाँ पर देखो हम हैं, जैसे सन एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, उस प्रकार से दूसरे अरबों स्टार भी पार्ट हैं मिल्की वे गैलेक्सी के। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर 8 प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं, तो देखो मिल्की वे गैलेक्सी में तो जैसा मैंने आपको बताया अरबों स्टार हैं, और इन अरबों स्टार्स के चारों ओर न जाने कितने प्लैनेट्स चक्कर काट रहे होंगे, वो सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी हमें ये जो डिस्कवरी हुई है एक्सोप्लैनेट वोल्फ 503b की सहायता से। और देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया है। इसी कैपलर टेलीस्कोप के द्वारा ही हंड्रेड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट को ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है। कैपलर टेलीस्कोप को ओरिजिनली नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। ये एक ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में। मेन काम इस टेलीस्कोप का है ही यही कि सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनकी खोज करना। कैपलर टेलीस्कोप देखो मेनली उन एक्सोप्लैनेट्स पे फोकस करती है जिनका साइज अर्थ के आसपास है, और वो एक्सोप्लैनेट्स जो पेरेंट
स्टार से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी पेरेंट स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब वहाँ पर जीवन संभव है। ऐसे एक्जोप्लैनेट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कैप्लर टेलीस्कोप के द्वारा। कैप्लर टेलीस्कोप पहली टेलीस्कोप थी जिसने कैप्लर 69C को डिस्कवर किया। कैप्लर 69C का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट अर्थ के जितना है। और एक और ख़ास बात, पेरेंट स्टार के हैबिटेबल जोन में है कैप्लर 69C, मतलब पेरेंट स्टार से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देखो, कैप्लर मिशन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नासा प्लान कर रहा है एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाए ताकि स्पेस में दूसरे एक्जोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया जा सके। तो इसका नाम होगा टेस, ट्रांजिटिंग एक्जोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। इसको नासा के द्वारा भेजा जाएगा कैप्लर टेलीस्कोप के मिशन का जब अंत हो जाएगा। वैसे देखो, अगर UPSC ये पूछती है कि अर्थ के सबसे नज़दीक का एक्जोप्लैनेट कौन सा है जो कि हैबिटेबल जोन में हो, आंसर होगा प्रोक्सीमा सेंचुरी बी। यहाँ पर देखो, प्रोक्सीमा सेंचुरी बी अर्थ का सबसे नज़दीक का एक्जोप्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में है। उसके बाद नंबर आता है रोज 128B का, और तीसरे नंबर पे नंबर आता है वोल्फ 1061 का। एक टर्म आप ये भी जान लीजिए, गोल्डिलॉक्स जोन। गोल्डिलॉक्स जोन का मतलब हैबिटेबल जोन से ही है। इट रेफर्स टू हैबिटेबल जोन ऑफ स्टार अदर देन सन, यानी सूर्य के अलावा किसी दूसरे स्टार के हैबिटेबल जोन को गोल्डिलॉक्स जोन कहा जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा होता है लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट करने के लिए। इस आर्टिकल से देखो काफ़ी सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक्जोप्लैनेट क्या होते हैं, गोल्डिलॉक्स जोन क्या होता है, कैप्लर टेलीस्कोप कौन सी स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप है, क्या करती है कैप्लर टेलीस्कोप, अर्थ के सबसे नज़दीक का एक्जोप्लैनेट कौन सा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप। ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा गया था 2015 के प्री में। वीडियो को पॉज करके ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसका आंसर है सी, सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अप्सरा अपग्रेडेड के बारे में है। अप्सरा देखो एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रोम्बे कैंपस में। लेकिन ये अप्सरा रिसर्च रिएक्टर बंद हो गया, इसे शटडाउन कर दिया गया 2009 में। लेकिन अब इसी रिसर्च रिएक्टर को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका नाम होगा अप्सरा अपग्रेडेड। पिक्चर में आप देख सकते हो स्विमिंग पूल शेप का ये रिसर्च रिएक्टर है, नाम है अप्सरा अपग्रेडेड। पुराने अप्सरा रिसर्च रिएक्टर को अपग्रेड करके ही ये रिसर्च रिएक्टर बनाया गया है। ये रिसर्च रिएक्टर ऑपरेशंस के लिए प्लेट टाइप डिस्पर्सन फ्यूल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेगा, विच विल बी मेड अप ऑफ लो इनरिच्ड यूरेनियम। यहाँ पर नीचे देखो कौन से फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लेट टाइप डिस्पर्सन फ्यूल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ऑपरेशंस के लिए अप्सरा अपग्रेडेड रिसर्च रिएक्टर के द्वारा। और इसकी वजह से रेडियो आइसोटोप्स की प्रोडक्शन जो है वो 50% तक बढ़ जाएगी, और इन्हें यूज़ किया जा सकेगा मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च के लिए, मटेरियल साइंस और रेडिएशन शील्डिंग के लिए। इन सब पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकेगा उन रेडियो आइसोटोप्स को जिनको डेवलप किया जाएगा इस रिसर्च रिएक्टर में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, यानी कि ICTAI। देखो कुछ समय पहले नीति आयोग के द्वारा एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया था जिसका नाम था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस डिस्कशन पेपर में फोकस किया गया था कि एक मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टाब्लिश किया जाए प्राइवेट सेक्टर के कोलाबोरेशन की सहायता से। अब नीति आयोग, इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR, ये तीनों बॉडीज एक साथ आई हैं, तीनों बॉडीज कोलाबरेट कर रही हैं ताकि मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टाब्लिश किया जाए। कहाँ पर? बेंगलुरु में। काम क्या होगा इस सेंटर का? काम होगा ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सके। मेनली देखो तीन डोमेन पर फोकस किया जाएगा इस सेंटर के द्वारा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी। पहला
डोमेन हेल्थ केयर, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा स्मार्ट मोबिलिटी। इन तीनों डोमेन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा फोकस इस बात पर भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, टूल्स, एसेट्स, क्यूरेटेड डेटा सेट्स और यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स का निर्माण किया जा सके। क्योंकि देखो बाद में, अभी तो बेंगलुरु में ये मॉडल सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, अगर बाद में दूसरे शहरों में इस प्रकार के सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, तब उन सेंटर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर उनको बने बनाए एल्गोरिथम्स मिलेंगे, उनको रिसर्च के लिए डेटा सेट्स मिलेगा, उनको टूल्स मिलेंगे, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित फाउंडेशनल फ्रेमवर्क तैयार मिलेगा, तो दूसरे शहरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने पर भी फोकस होगा इस मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी ICTAI का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल IROV टूना के बारे में है। ये इंडिया का पहला अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन है। आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है IROV टूना की। किसके द्वारा इस अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन को तैयार किया गया है? इसको तैयार किया गया है कोची बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, इस स्टार्टअप ने इंडिया के पहले अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन को सौंप दिया है DRDO की लेबोरेटरी जिसका नाम है नेवल फिजिक्स ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, ताकि ये लेबोरेटरी इस ड्रोन पे और ज़्यादा रिसर्च कर सके और इसी प्रकार का और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी से लैस अंडर वाटर ड्रोन का निर्माण कर सके। हम बात करें IROV टूना के बारे में, ये देखो पानी के नीचे 100 मीटर्स तक इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्वे कर सकता है काफ़ी तरह की स्ट्रक्चर्स की, जैसे जहाज की पतवार हो, या फिर नीचे पानी के नीचे डैम का कोई स्ट्रक्चर हो, फिश फार्म्स हो और कोई भी चीज़ हो, इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन की जा सकती है इस अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन के द्वारा। फ़ायदा देखो ये होगा, वैसे डाइवर्स को यानी गोताखोरों को भेजा जाता है नीचे, ब्रिज या फिर डैम संबंधित कोई स्ट्रक्चर है उसे इंस्पेक्ट करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, बल्कि जान जाने का खतरा भी होता है। अगर इस प्रकार का अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन उपलब्ध रहेगा तो नीचे गोताखोरों को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखिएगा IROV टूना के बारे में, ये हमारे देश का पहला अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन है और तैयार किया गया है कोची बेस्ड एक स्टार्टअप IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। चलते हैं आगे। आर्टिकल PSLV C-42 के बारे में है। देखो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। PSLV के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था जब साइंस एंड टेक की सीरीज में PSLV, GSLV वो सब चीज़ें आई थी। अभी फिलहाल ये है PSLV C-42 की सहायता से इसरो ने UK के दो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। नाम इस प्रकार से हैं, Nova SAR और S-14। दोनों सैटेलाइट्स UK के हैं लेकिन लॉन्च इसरो के द्वारा किए गए हैं। दोनों सैटेलाइट्स का वेट 450 किलोग्राम के आसपास है और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया PSLV C-42 की सहायता से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। किस लिए यूज किए जाएंगे ये सैटेलाइट्स? वेदर फोरकास्टिंग के लिए और इमेजिंग के लिए। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, जब हमने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था उस समय, देखो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशनल ही होते हैं और ये सैटेलाइट्स दो जो UK के हैं वो भी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए हैं। बाकी देखो बहुत सारी डिटेल्स इन सैटेलाइट्स के बारे में याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये हमारे सैटेलाइट नहीं है, UK के सैटेलाइट हैं। PSLV की सहायता से यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से ये 44वां लॉन्च था, यानी 44वीं बार इसरो के द्वारा PSLV की सहायता से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड में सबसे पहली बार जर्मनी में हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन चली है। हाइड्रोजन ट्रेन्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। और इसमें देखो अच्छी बात यह है, बायो प्रोडक्ट सिर्फ स्टीम और वाटर हैं और कोई हार्मफुल गैस एमिट नहीं होती हाइड्रोजन पावर ट्रेन में। तो काफ़ी इको फ्रेंडली ट्रेन ये है एज़ कंपेरिजन टू डीजल ट्रेन्स जिसमें काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं। और एक्सेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उसे लिथियम आयन बैटरी में स्टोर करके रखा जाता है जो कि ट्रेन में लगी होती हैं।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। अगर यूपीएससी पूछती है कि सबसे पहले कौन से देश में हाइड्रोजन पावर ट्रेन चली है, आंसर होगा जर्मनी। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जूनो के बारे में है। जूनो नासा का एक मिशन है, भेजा गया था जुपिटर जो कि एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मकसद था जुपिटर की कंपोजिशन, ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पोलर मैग्नेटोस्फीयर के बारे में पता लगाया जा सके। अब देखो जूनो मिशन के द्वारा एक इमेज भेजी गई है धरती पर। पहले आप इमेज के बारे में देख लीजिए। ब्राउन कलर का बार्ज यानी नाव टाइप की एक फोटो दिख रही है। ये एक्चुअल में एक वेदर पैटर्न है यानी कि स्टॉर्म टाइप का कुछ है। और देखो ऑलरेडी हमें पता है जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है। तस्वीर देख लीजिए आप ग्रेट रेड स्पॉट की। इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है और 1830 से अभी तक हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह भी एक वेदर पैटर्न है यानी कि स्टॉर्म टाइप का कुछ है, परमानेंट स्टॉर्म है। हमारी अर्थ पर तो आपको पता है साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स कुछ ही समय के लिए आते हैं, उसके बाद विदर आउट हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर पर ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये परमानेंट स्टॉर्म है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया 1830 से अभी तक हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे इस स्टॉर्म का एरिया जो है वो श्रिंक हो रहा है। और अभी जूनो ने जो पिक्चर भेजी है उसमें हमें इमेज दिखी है इस बार्ज की, ये ग्रेट रेड स्पॉट से अलग है। मतलब दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में हमें पहले से पता है और अभी जो ताजा पिक्चर मिली है वो ब्राउन कलर के बार्ज की है। ये जो स्टोन टाइप का कुछ है लाइन के आकार में है, नाव के टाइप में है। और पहले जो ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में हमें पता है वो पूरी तरह से गोल तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत गोल आप कह सकते हो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ये ब्राउन कलर का बार्ज जो देखने को मिला है वो जुपिटर के साउथ इक्वेटोरियल बेल्ट में देखने को मिला है। जूनो नासा का मिशन है और रिसेंटली ही जूनो जो स्पेसक्राफ्ट है वो जुपिटर के पास से गुजरा और ग्रेट रेड स्पॉट के भी पास से गुजरा। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो 16,000 किलोमीटर चौड़ा स्टॉर्म है और 350 साल पुराना है। अभी रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट पेरिजोव पॉइंट पर पहुंचा था। पेरिजोव पॉइंट वो पॉइंट है जहां से जुपिटर का ऑर्बिट जो है वो जुपिटर के सेंटर से सबसे नज़दीक है। मान लीजिए ये जुपिटर है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है, आगे जाते हैं और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जुपिटर के सेंटर से सबसे नज़दीक है, तो इस पॉइंट को आप कहोगे पेरिजोव पॉइंट। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस। नेक्स्ट आर्टिकल आकाश मिसाइल, नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में है। देखो कुछ समय पहले इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम देश के छोटे छोटे शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर ओपन करेंगे ताकि छोटे छोटे शहर जहां पर स्पेस से संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको सहायता दी जा सके। तो इसी सीरीज में पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर ओपन किया गया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में और इसी प्रकार के 5 और इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे जालंधर में, भुवनेश्वर में, तिरुचि में, नागपुर में और इंदौर में। इंक्यूबेशन सेंटर देखो एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर स्टार्टअप्स को मदद मिल जाती है, चीज़ें मैनेज कैसे की जाएं, रिसोर्सेज को कैसे जुटाया जाए और थोड़ा बहुत स्पेस भी मिल जाता है शुरुआत में स्टार्टअप को ऑपरेट करने के लिए। जैसे ये पिक्चर जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा स्पेस एलोकेटेड है अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स के लिए, उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है, जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, वो होता है इंक्यूबेशन सेंटर। 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं इसरो के द्वारा इस स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। मकसद वैसे देखो इसरो का ये है, अब नॉर्थ ईस्ट में जो स्टार्टअप्स होंगे स्पेस से संबंधित उनको गाइड करना ताकि वो ऐसी एप्लीकेशंस बना सकें, ऐसी सर्विसेज को ऑफर कर सकें या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकें जिनकी आवश्यकता है इंडिया के स्पेस सेक्टर में और इवन वर्ल्ड के ग्लोबल सेक्टर में भी उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सरकार के द्वारा फेमस साइंटिस्ट कमलेश नीलकंठ व्यास को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। देखो जो भी पर्सन
एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन होता है वही पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सेक्रेटरी के तौर पर काम भी करता है। इससे पहले शेखर बसु एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। हम डिस्कस करें थोड़ा सा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। शुरुआत में देखो, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत, लेकिन गवर्नमेंट रेजुलेशन की सहायता से एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। और देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सेटअप किया गया था 3 अगस्त 1954 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की सहायता से, और ये डिपार्टमेंट जो है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन की रिकमेंडेशंस के बेस पे, लेकिन प्रधानमंत्री से अप्रूवल मिलने के बाद। काम क्या है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का? इस कमीशन का काम देखो ये है, हमारे देश में एटॉमिक साइंटिस्ट को ट्रेन करना, इसके अलावा हमारे देश की विभिन्न लेबोरेटरीज में, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की लेबोरेटरी हो या फिर कहीं दूसरी जगह पे लेबोरेटरी हो, वहां पे न्यूक्लियर रिसर्च को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में फोकस करना एटॉमिक मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन पर, ताकि उन्हें यूज किया जा सके इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, प्रोजेक्ट इंडिगो काफी फेमस प्रोजेक्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, किसके द्वारा पायलटेड है ये प्रोजेक्ट? पहला ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डी बोथ ए एंड बी। क्या आंसर है बताइए? देखो, इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पायलटेड है इंडिगो प्रोजेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। फंडिंग आ रही है इन दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से। नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन 30 के बारे में है। पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से कैंसर का इलाज होता है। रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी में, फॉर एग्जांपल अप्सरा एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके अलावा हमारे देश में जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास तो देखो पैसा है, इसलिए उन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने खुद का साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करके रखी है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी कंटेस्ट ये है, हमारे देश की सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया है कोलकाता में। एग्जैक्टली कहाँ पर? कोलकाता बेस्ड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर में, नाम है साइक्लोन 30। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत साइक्लोन 30 को इस्टेब्लिश किया गया है। याद कीजिए, साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी का किस लिए इस्तेमाल होता है? रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से। तो अब हमारे देश में रेडियो आइसोटोप्स को बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम होगी, रेडियो आइसोटोप्स आसानी से अवेलेबल होंगे, इसलिए कैंसर का इलाज और ज़्यादा सस्ता होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नासा बैलून मिशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा के द्वारा वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक बैलून मिशन लॉन्च किया गया है, मेजोस्फेयर। देखो, धरती से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की हाइट के बीच आता है मेजोस्फेयर। यहाँ पर देखो, मेजोपॉज के पास यानी वो लाइन जहाँ से आगे थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है और मेजोस्फेयर ख़त्म हो जाता है, इस लाइन के पास मिलते हैं नोक्टिलूसेंट क्लाउड्स। यहाँ पर देखो, ये क्लाउड्स मिलते हैं। इन्हीं क्लाउड्स को स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा बैलून मिशन लॉन्च किया गया है। बैलून पे जो इक्विपमेंट्स होंगे वो 5 दिन तक इन्हीं नोक्टिलूसेंट क्लाउड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस स्टडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी नासा को, उस इन्फॉर्मेशन की सहायता से नासा और बेहतर ढंग से वेदर को फोरकास्ट कर सकेगा, ये बता सकेगा एटमोस्फेयर में
जो टर्बुलेंस होती है वो क्यों होती है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्कर सोलर प्रोब के बारे में है। नासा का ये मिशन है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट सूर्य को ऑब्जर्व करेगा और सन के इतना नज़दीक पहुंचेगा जितना आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है। इस मिशन के द्वारा सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर में कोरोना को ऑब्जर्व किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सूर्य के द्वारा कई बार यानी ओकेजनली हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्यों एमिट किए जाते हैं। क्योंकि देखो, सूर्य के द्वारा ओकेजनली जो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट किए जाते हैं, इनसे एस्ट्रोनॉट्स को और स्पेसक्राफ्ट्स को काफ़ी खतरा हो जाता है, यानी थ्रेट होते हैं ये सूर्य से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए और स्पेस मिशंस के लिए। तो सोलर प्रोब मिशन की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी आखिरकार क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स के एमिशन का। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट देखो ये है कि पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा पहली पिक्चर भेजी गई है अर्थ पर। अभी वैसे सूर्य के नज़दीक पहुंचा नहीं है ये मिशन, अगले महीने वीनस को पार करेगा। ये पिक्चर है सोलर सिस्टम की, अगले महीने वीनस प्लैनेट को पार करेगा और उम्मीद ये है नवंबर में सूर्य के नज़दीक पहुंच जाएगा पार्कर सोलर प्रोब और कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अर्थ पर भेजेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में है। सबसे पहले इस साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा विजन्ना भारती के साथ मिलकर। उसके बाद से ही हर एक साल इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार चौथा एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज होगा लखनऊ में। थीम होगी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। 5 से 8 अक्टूबर तक ये साइंस फेस्टिवल चलेगा और इसमें ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 5,000 स्टूडेंट्स, 550 टीचर्स, 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, 20 इंटरनेशनल डेलीगेट्स और 200 स्टार्टअप्स। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब ये ऑर्गेनाइज होगा तब देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस फेस्टिवल से। 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 8 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपति के द्वारा इस फेस्टिवल का इनाग्रेशन होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वायु के बारे में है। वायु का पूरा नाम है विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। वैसे यहाँ पर वाई की जगह पी आना चाहिए लेकिन बना दिया निमोनिक याद रखने के लिए। है क्या ये, आप तस्वीर में देख सकते हो, ये एक डिवाइस है एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी एयर पोल्यूशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए। इस डिवाइस को डेवलप किया गया है CSIR और NEER के द्वारा। यहाँ पर आप फुल फॉर्म दे सकते हो। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और NEER की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड ये प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो डिवाइस है वो 500 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। हाफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। अगर ये मशीन चलती है 10 घंटों तक और एक महीने में मेंटेनेंस कॉस्ट है 1500 रुपये की। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है CSIR NEER के द्वारा। शहरों में देखो काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन काफ़ी कम होता है। मैं आपको पिक्चर की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेश एयर जब इस बिल्डिंग से पास होगी तो वे इस प्रकार से होगा फ्रेश एयर का। कुछ एरिया इस बिल्डिंग के बिल्कुल नज़दीक ऐसा होगा जहाँ पे फ्रेश एयर आ ही नहीं सकेगी क्योंकि बिल्डिंग की हाइट की वजह से। तो यहाँ पर इस एरिया में जो पोल्यूटेड एयर है उसी का घूम घूम के सर्कुलेशन होता रहता है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन आता है तो बहुत हार्मफुल गैसेस को इनहेल करता है। ऐसी जगहों पर खासकर वायु डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, काम कैसे करेगा वायु डिवाइस। वायु डिवाइस क्या करेगा, पोल्यूटेड एयर को अपने अंदर खींचेगा। पोल्यूटेड एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देगा। उसके बाद देखो एक चैम्बर है इस डिवाइस के अंदर। चैम्बर में जो हार्मफुल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इन हार्मफुल गैसेस का ऑक्सीडेशन होगा और ये कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल CO2। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जाना वायु के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा इस डिवाइस को डेवलप किया गया है, काम कैसे करता है डिवाइस। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल गामा रे टेलीस्कोप के बारे में है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बारक के द्वारा एक टेलीस्कोप इस्टाब्लिश की जाएगी लद्दाख में, गामा रे टेलीस्कोप। इस प्रकार की पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड टेलीस्कोप होगी। इससे पहले पहली इस प्रकार की टेलीस्कोप इस्टाब्लिश की गई थी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के द्वारा 2001 में ला पाल्मा, कहाँ पर, कैनरी आइलैंड्स पर। लोकेशन कहाँ है कैनरी आइलैंड्स की, ये देखो अफ्रीका, और यहाँ पर है कैनरी आइलैंड्स। ओशन करंट्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कैनरी आइलैंड्स के बारे में। ये वेबसाइट लोकेटेड होगी हैगर के पास। हैगर का मतलब है हाई एटीट्यूड गामा रे एरे। हैगर में क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जिसे ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा। वैसे देखो एक और ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है MACE यानी मेजर एटमोस्फेरिक सिरिनकोव एक्सपेरिमेंट। ये भी एक गामा रे इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये अभी अंडर इंस्टॉलेशन है, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुई है। इसे भी लद्दाख के हानले में इस्टाब्लिश किया जा रहा है। तो देखो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो मिलकर काम करेगी उस ऑब्जर्वेटरी के साथ जिसे इस्टाब्लिश किया जा रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बार्क के द्वारा मिलकर। एक खास बात इस ऑब्जर्वेटरी की ये होगी, आमतौर पर जो ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेटरीज हैं वो सिर्फ रात को काम करती हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी शाम के समय और इवन मूनलाइट में भी काम कर सकेगी। इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा काफ़ी सारे फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जांपल किसी स्टार का एक्सप्लोजन होता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ब्लैक होल के अंदर, या फिर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के बीच आपस में कोलिजन देखने को मिलता है। सभी प्रकार के फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यंग एस्ट्रॉइड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, ब्राज़ील के साइंटिस्ट के द्वारा 70 लाख साल से कम पुराने यंग एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इन यंग एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिट है मार्स और जुपिटर के बीच। और देखो मार्स और जुपिटर के बीच एक जो बड़ी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसमें 700 के आसपास नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा है ये यंग एस्ट्रॉइड्स। नए एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया जाता है। एक तो देखो पेरिसेंटर के लॉन्गिट्यूड्स और दूसरा असेंडिंग नोड के लॉन्गिट्यूड्स। पेरिसेंटर क्या होता है, कोई भी प्लैनेट, कोमेट या फिर एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में चक्कर काटता है, तो वो पॉइंट उस प्लैनेट के ऑर्बिट का जिस पॉइंट पर वो प्लैनेट या फिर कोमेट या फिर एस्ट्रॉइड सन के सबसे नज़दीक होता है वो पॉइंट कहलाता है पेरिसेंटर। इसके बाद है असेंडिंग नोड। जब कोई सेलेस्टियल बॉडी साउदर्न साइड ऑफ रेफरेंस प्लेन से एंटर करती है नॉर्दर्न साइड में तो वो पॉइंट कहलाता है असेंडिंग नोड। तो इन दो पॉइंट्स के लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तो देखो पेरिसेंटर के लॉन्गिट्यूड्स और दूसरा असेंडिंग नोड के लॉन्गिट्यूड्स। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।